पिछले चंद दिनों में लोकतंत्र के मार्ग से राजनीतिक अराजकता की स्थिति में पहुंच चुके मिस्र में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। एक साल पहले जो देश क्रांति के जरिए तानाशाही शासन से मुक्ति पाकर लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा था, आज गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंचता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते से सेना द्वारा अपदस्त किए गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों और लंबे समय से उन्हें हटाने की मांग कर रहे विरोधी कार्यकर्ताओं के बीच देश भर में हिंसक संघर्ष छिड़ा हुआ है। काहिरा, सिनाई, स्वेज, अलेक्जेंड्रिया सहित विभिन्न शहरों में हुए संघर्ष में दर्जनों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सिनाई शहर में मुर्सी समर्थकों पर पुलिस फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। काहिरा में तनाव तब बढ़ गया जब अपदस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों ने उस बैरक की ओर मार्च किया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुर्सी को यहीं नजरबंद करके रखा गया है। शहर के तहरीर चौक के पास एक पुल पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर और बोतलें फेंकी। एहतियात के तौर पर इस इलाके में सेना को टैंकों के साथ तैनात कर दिया गया है। इस बीच एक अहम घटनाक्रम के तहत देश के अंतरिम राष्ट्रपति अदली मंसूर ने एक शासनादेश जारी कर संसद के ऊपरी सदन शूरा काउंसिल को भंग कर दिया है। मिस्र में पिछले कई दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सेना ने बुधवार रात मुर्सी सरकार को सत्ता से हटाते हुए संविधान को निलंबित कर दिया था। इसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश अदली मंसूर ने अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभाला था। देश में 2011 में हुई क्रांति के फलस्वरूप लोगों को हुस्नी मुबारक के 30 साल के तानाशाही शासन से मुक्ति मिली थी और पिछले साल जून माह में मोहम्मद मुर्सी ने पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाली थी। लेकिन मुर्सी सरकार का एक साल देश में राजनीतिक अस्थिरता और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सवालों से घिरा रहा। अब सेना के इस कदम पर विश्व भर में प्रतिक्रिया हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका सहित विभिन्न देशों ने मिस्र में जल्द लोकतंत्र स्थापना की मांग की है। अफ्रीकी संघ ने तो सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अपदस्त करने के विरोध में मिस्र की सदस्यता तक निलंबित कर दी है। मिस्र में ताजा हालात ने वहां लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दुबई से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।